नमस्कार, इंदौर में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी और मिनी बस चालकों के विभिन्न संगठनों ने आज से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न यूनियन किराया दरों में बढ़ोतरी और सीएनजी की कीमतों में कमी किए जाने की मांग कर रही है। अधिकतर संगठनों ने कहा है कि वे एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली ने कहा कि वह आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेगी। दिल्ली सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा किए जाने के बावजूद संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने कहा, ईंधन की कीमतों में कमी और किराए में संशोधन पर हमारी मदद के लिए सरकार द्वारा कोई मदद न उठाए जाने पर हमने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा, हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार कोई समिति बना रही है, लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए जो नजर नहीं आ रहा है। हमारी मांग है कि सरकार केंद्र और दिल्ली सीएनजी की कीमतों पर 35 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी प्रदान करे। सीएनजी की कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर सैकड़ों ऑटो टैक्सी और कैब चालकों ने हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।